दोस्तों, ऑलराउंडर एक ऐसा खिलाड़ी होता है जो अपने कप्तान की हर परेशानी का हल होता है। एक ऑलराउंडर ही वो खिलाड़ी होता है जो टीम को संतुलन प्रदान करता है। ऑलराउंडर ही वो खिलाड़ी है जो कप्तान को मैदान पर सभी मुसीबतों से बचाता है। जब विकेट की जरूरत हो तो विकेट निकाल कर देता है और टीम को जब रन की जरूरत हो तो रन बनाता है। भारत के लिए कई ऑलराउंडर खेल चुके हैं, लेकिन तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर भारत को कपिल देव के बाद तक हार्दिक पांड्या के रूप में ही मिला है। हार्दिक पांड्या अधिकतर चोटिल रहते हैं तो कभी वो विवादों की वजह से प्रशंसकों के गुस्से का शिकार होते हैं। अधिकतर यह ऑलराउंडर भारतीय टीम से दूर ही रहता है, लेकिन जब खेलता है तो टीम इंडिया की जीत की गारंटी होती है। लेकिन आज हम आपको कुछ और ऑलराउंडरों के बारे में बताने वाले हैं जो आने वाले समय में पांड्या पर भारी पड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। वाशिंगटन सुंदर। तमिलनाडु के 21 वर्षीय नौजवान ऑफ स्पिन ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर ने भारतीय टीम के लिए अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर की शुरुआत दिसंबर 2017 में श्रीलंका के खिलाफ मोहाली वनडे से की थी। इसके बाद क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में यानी टेस्ट क्रिकेट में सुंदर ने हाल ही में भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था। सुंदर के प्रदर्शन की बात करें तो 4 टेस्ट मैचों में उन्होंने गेंद और बल्ले दोनों से ही बेहतरीन प्रदर्शन कर तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स को प्रभावित किया है। सुंदर की भारतीय टीम में एंट्री एक ऑफ स्पिनर के तौर पर हुई थी, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 66.25 के शानदार बल्लेबाजी औसत से 3 अर्धशतकों के साथ 265 रन बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ हुई टेस्ट सीरीज में बल्ले से बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले सुंदर आने वाले समय में स्टीव स्मिथ जैसे दिग्गज बल्लेबाज के स्तर की बराबरी कर सकते हैं। विजय शंकर। जब पिछली बार हार्दिक पांड्या को चोट लगी थी उस समय उनकी जगह टीम में विजय शंकर को ही मौका दिया गया था, जहां पर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन करके ही टीम में अपनी जगह बनाई थी और उसके बाद विश्व कप टीम का हिस्सा बने थे। हालांकि उनकी वापसी चोट सही होने के बाद भी नहीं हो पाई। विजय शंकर ने अब तक भारतीय टीम के लिए एक दिवसीय क्रिकेट के 12 मैचों में 31.85 की औसत से 223 रन बनाए हैं और 4 विकेट भी अपने नाम किए, जबकि T20 क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने अब तक 9 मैच खेले जिसमें उन्होंने 25.25 की औसत से 101 रन बनाए हैं और इसके साथ ही उन्होंने 5 विकेट भी लिए। हाल ही में विजय शंकर ने चोट से वापसी करते हुए विजय हजारी ट्रॉफी खेली, जहां पर उन्होंने लगातार रन बनाकर दिखाए, जो पांड्या की तरह आक्रामक बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। शिवम दुबे। घरेलू क्रिकेट में पिछले कुछ समय से एक तेज गेंदबाज ऑलराउंडर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और वो खिलाड़ी है शिवम दुबे। शिवम ने सभी फॉर्मेट में खुद को साबित करते हुए आईपीएल में आरसीबी की टीम का हिस्सा बने, लेकिन वहां पर इस खिलाड़ी को बहुत ज्यादा मौके नहीं मिल पाए। शिवम दुबे ने अब तक घरेलू क्रिकेट की लिस्ट में 32 मैच खेले जिसमें 43.78 की औसत से 613 रन बनाए और 30 विकेट भी लिए, जबकि T20 क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने 19 मैचों में 18.61 की औसत से 242 रन बनाए तो वहीं 142 की स्ट्राइक रेट इस दौरान उनकी रही। शिवम भी हार्दिक पांड्या की तरह ही लंबे लंबे छक्के आसानी से लगा सकते हैं। कृष्णप्पा गौतम। स्पिनर कृष्णप्पा गौतम भी इस जगह पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। गौतम भी हार्दिक पांड्या की तरह ही आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। गौतम ने हाल ही में कर्नाटक प्रीमियर लीग में और उससे पहले आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए अच्छा प्रदर्शन करके अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। कृष्णप्पा गौतम ने अब तक घरेलू क्रिकेट में लिस्ट ए में 39 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 19.83 की औसत से 476 रन बनाए हैं, जिसके साथ ही उन्होंने 62 विकेट भी लिए। T20 क्रिकेट में उन्होंने 49 मैचों में 14.64 की औसत से 454 रन बनाए, वो भी 163.89 की शानदार स्ट्राइक रेट से। गेंद के साथ इस खिलाड़ी ने अब तक 32 विकेट भी लिए। गौतम ने अब तक इंडिया ए के लिए भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। दीपक चहर। हाल ही में भारतीय टीम के लिए खेले दीपक चहर ने खुद को अब तक एक गेंदबाज के रूप में तो साबित कर लिया है, लेकिन वो अच्छी बल्लेबाजी करने की अक्षमता भी रखते हैं। ये बात उन्होंने घरेलू क्रिकेट में साबित की है। दीपक चहर भी हार्दिक पांड्या का एक अच्छा विकल्प बन सकते हैं। दीपक चहर ने अब तक घरेलू क्रिकेट में 44 मैच खेले जिसमें उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ स्कोर 963 रन बनाए। दीपक आखिरी के ओवरों में लंबे छक्के लगा सकते हैं, ये बात उन्होंने
उन्होंने आईपीएल में दिखाई भी है। गेंदबाजी में इस खिलाड़ी की अक्षमता सभी ने देखी। भारत के लिए दीपक चहर ने 4 टी20 मैचों में मात्र 14 की औसत से 6 विकेट लिए हैं, जबकि इस बीच उनकी इकोनॉमी मात्र 6 की रही, जो इस खिलाड़ी के प्रतिभा को दर्शाती है।